नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों तो दोस्तों यार आज हम बात करने जा रहे हैं यार कि परफेक्ट नेड्स जो होते हैं वो कैसे थ्रो करें पबजी मोबाइल में, ताकि जो आपका एनिमी है यार वो फूट के मर जाए। तो दोस्तों को पूरी वीडियो देखते रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग सके और आखिरकार ये नेड्स को कैसे कंट्रोल करना है वो भी पता लग सके। तो दोस्तों यार इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाइए उस लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहता है जिससे कि आप अपडेट रहते हो। तो दोस्तों यार बिना टाइम वेस्ट करते हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यार गन्स वगैरह तो सब चला लेते हैं यार, पर सबसे मतलब जो मेन चीज़ होती है पबजी मोबाइल में वो है नेड्स का, मतलब प्रोफेशनल होना, नेड्स में थ्रो करने में प्रोफेशनल होना। क्योंकि यार एक बारी में एक गन से आप एक बंदा उड़ा सकते हो, उसके बाद दूसरे बंदे पे शॉट लोगे जब पहला बंदा नोक हो जाएगा, पर यार एक नेड से आप पूरी स्क्वाड उड़ा सकते हो अगर पूरी स्क्वाड यार मतलब झुंड बना के एक जगह पे बैठी हुई है। तो दोस्तों काफ़ी मतलब यूज़फुल होते हैं नेड्स अगर आपके एनिमी के पास पावर वाली गन है, मतलब आपसे ज़्यादा बढ़िया गन है और आपके पास यार मतलब इतनी अच्छी गन नहीं है, तो यार एक नेड से आप उसे फुल तरह ख़त्म कर सकते हो और उसकी गन भी आराम से उठा सकते हो। तो दोस्तों यार सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब आप घर में रश करते हो तब आपको नेड्स कैसे थ्रो करने हैं। तो दोस्तों यार मैंने पहले भी पिछली वीडियो में काफ़ी बताया हुआ है यार कि नेड्स जब भी आप घर के अंदर रश करके थ्रो करते हो तो आपने जितना हो सके दीवारों का सहारा लेना है नेड्स को मतलब थ्रो करने के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यार कि आपका जो होता है एनिमी आपके ऊपर वाले फ्लोर पर बैठा होता है और आपको नहीं पता उसने कैसी पोजिशन ली हुई है, कैसे वो आपका टीपीपी ले रहा है, मतलब अपना टीपीपी ले रहा है। तो दोस्तों इस मतलब चीज़ में आपने क्या करना है, जो दीवार होती है उनका काफी सहारा लेना है, आपने दीवारों पे जो है वो नेड थ्रो करना है, जिससे कि क्या होगा दीवार से टकरा के वो ऊपर वाले फ्लोर पे चला जा सकता है और यार इससे मतलब बंदा जो है वो आसानी से मर सकता है और आपको यार किल आराम से आ सकता है। तो दोस्तों यार सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन चीज के बारे में जो कि नेड थ्रो करते वक्त हमें ध्यान देनी चाहिए। तो दोस्तों यार नेड थ्रो करते वक्त आप देखो आपको बंदे की लोकेशन नहीं पता इसलिए आप नेड थ्रो कर रहे हो, तो इस चीज में यार सबसे मेन चीज जो आ जाती है वो है फुटस्टेप्स। तो दोस्तों अच्छे ईयरफोन्स का होना यार मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरी गेम में ये, क्योंकि यार ये जो पूरी गेम है मेरे ख्याल से 60% साउंड के ऊपर चलती है, तो यार अच्छे ईयरफोन जो है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यार देखो जब भी आप जो है वो नेट थ्रो करने जाते हैं तो आपको नहीं पता बंदा कहाँ पे बैठा घर पे, कहाँ पे मतलब कैंप कर रहा है, तो यार आपको क्या यार फुटस्टेप्स की जो है वो काफ़ी मतलब नॉलेज होनी चाहिए, काफ़ी फुटस्टेप्स को रिकॉग्नाइज करने की आप में यार क्षमता या पावर होनी चाहिए। क्योंकि यार देखो जब बंदा यार सीढ़ियों में चलेगा तो आपको अलग फुटस्टेप्स की मतलब आवाज़ सुनाई देगी और जब वो ज़मीन पर चलेगा तो अलग फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई देगी, जिससे कि क्या होगा आपको अंदाज़ा थोड़ा बहुत लग जाएगा कि बंदा इस टाइम सीढ़ियों के आसपास है या तो मतलब घर के किस फ्लोर पे है, मतलब प्लेन जगह पे है या सीढ़ियों के आसपास है, कहाँ पे है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है ग्रेनेड्स थ्रो करने में और आप यार जो आराम से ग्रेनेड्स थ्रो करके उस बंदे को जो है वो मार सकते हो। अब देखो दोस्तों अब काफ़ी जो मतलब मेन चीज़ है वो ये होती है कि यार मतलब पीक करके ग्रेनेड थ्रो करो, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। हालाँकि मैंने काफ़ी बंदे देखे यार वो मतलब बिना पीक करे ग्रेनेड शो कर देते हैं और काफ़ी अच्छे ग्रेनेड मतलब हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छे ग्रेनेड्स फेंकते हैं, पर दोस्तों यार अगर हमें ऑप्शन दिया गया यार पीक करके ग्रेनेड थ्रो करने का तो ज़्यादातर यार मैं मतलब यही प्रेफर करता हूँ कि पीक करके ग्रेनेड थ्रो करो। इससे क्या होता है कभी कभी यार जो एनिमी होता है वो आपके हेड की तरफ नोटिस भी नहीं करता और कब ग्रेनेड उसके पास आ जाता है उसे पता भी नहीं लगता। तो दोस्तों यार अब ये जो मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यार ग्रेनेड थ्रो करते वक्त आपने हमेशा जो है वो 3 मिनट कुक का या मतलब 3 सेकंड कुक का आपने ये जो रूल है वो फॉलो करना है। तो दोस्तों आप सबको पता है ग्रेनेड जो होता है मेरे ख्याल से 5 या 6 सेकंड लेता है यार पूरा कुक कोने में। तो दोस्तों इसमें आपने क्या करना है, जब 3 सेकंड रह जाए ग्रेनेड कुक कोने को सिर्फ तभी आपने यार ग्रेनेड फेंक देना है। क्योंकि यार देखो अगर 5 या 6 सेकंड जैसे ही आपने ग्रेनेड उठाया तभी फेंक दिया तो इससे क्या होगा जब एनिमी के पास जाके वो ग्रेनेड गिरेगा तो यार एनिमी को साउंड आ जाएगी ग्रेनेड की, हाँ कि मेरे पास ग्रेनेड गिरा है, तो यार उसे यार 1 या 2 हम कह सकते हैं सेकंड मिल जाते हैं आराम से भागने के लिए, जिससे कि क्या होता है आपके ग्रेनेड का डैमेज उसे नहीं मिल पाता और वो जो बंदा है वो आराम से बच जाता है। पर यार अगर आप कुक करके ग्रेनेड फेंकोगे या तो सीधा उस बंदे के जाके लगेगा और सीधा जब वो फूटेगा उसे रिकॉग्नाइज करने का मौका नहीं मिलेगा कि मेरे पास ग्रेनेड भी आया था। तो दोस्तों यार अब हम बात कर लेते हैं लास्ट जोन के बारे में, खुले में जब सर्कल बनता है तब यार ग्रेनेड्स का क्या काम है और कैसे उसे यूज करना है। तो दोस्तों यार देखो जब छोटा सर्कल रह जाए, ठीक है, तो ज़्यादातर बंदे जो होते हैं वो लेटे होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो बंदे जो हैं वो ज़्यादातर लेटे हुए हैं तो आपने क्या करना है, जितना हो सके
पेड़ों और कवर्स के पास आपने ग्रेनेड फेंकना है, जिससे कि क्या होगा, आप सबको पता है बंदे जो हैं वो लेट के यार कवर में होंगे हमेशा। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो ग्रेनेड्स हैं लास्ट सर्कल में आपने फेंकने हैं या तो पत्थर के पीछे, या तो पेड़ों के पीछे, या तो किसी टाइप का आपको कवर दिखे उसके पीछे आपने फेंकना है, जिससे कि क्या होगा यार, अगर तो वहाँ बंदा होगा वो डायरेक्ट मर जाएगा, या तो अगर उसके आसपास बंदा होगा उसे थोड़ा सा डैमेज होगा और वो भागने की कोशिश करेगा उधर से, क्योंकि यार आप सबको पता जब आप पे ग्रेनेड गिरता है तो आप भी इधर उधर भागना शुरू हो जाते हो। तो दोस्तों जैसे ही मतलब आप वो भागना शुरू करेगा, आपके पास आपकी गन है यार, उसे भून दो यार, मतलब डेड कर दो उसे एक तरह। तो यार इससे मतलब काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है चिकन डिनर करने में। तो दोस्तों यार आज की वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। यार मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।